दिया है ए बटा बी प्लस बी बटा सी प्लस सी बटा ए बराबर जीरो, तो इसकी वैल्यू बताइए। इस सवाल को देखते ही हमें घृणा हो गई, क्योंकि इस सवाल में तीन वेरिएबल है ए बी सी। अगर वेरिएबल तीन है और इक्वेशन एक है, इसका मतलब आपके पास दो वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं, और अगर दो वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं तो आप उनको अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकते हो। तो कुछ भी पुट कर सकता हूं, तो मेरे दिमाग में आएगा कि मैं दो वेरिएबल को जीरो कर देता हूं। लेकिन दो सावधान रहें शरारती तत्वों से, आप जीरो नहीं पुट कर सकते किसी भी वेरिएबल को, क्योंकि जीरो करोगे ना तो ये ए बटे जीरो अनडिफाइन हो जाएगा, जीरो नहीं पुट कर सकते। जब आप जीरो नहीं पुट कर सकते तो आप क्या करिए, यहां वन पुट कर लीजिए। हमने क्या किया, बी और सी दोनों को वन पुट कर लिया, तो ये ए ये बी बाई सी तो वन हो गया, ये सी वन है, ये वन बाई ए, तो ए प्लस वन बाई ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन उधर जाके निगेटिव हो जाएगा माइनस का वन, ए प्लस वन बाई ए माइनस का वन आ गया। आपसे ये पूछा है बी भी वन है सी भी वन है, तो ए प्लस वन बाई ए और माइनस वन अपॉन ए क्यूब, यही आ गया दोस्त। आप दोस्त ये बताओ, अगर ए प्लस वन बाई ए क्या है, माइनस का वन, तो ए प्लस वन बाई ए तो माइनस का वन हो ही गया। अब बच्चा बच्चा जानता कि आपने कंसेप्ट पढ़ा है दोस्तों, क्या आपने कंसेप्ट ये पढ़ा है कि अगर x प्लस वन बाई एक्स माइनस वन हो, अगर x प्लस वन बाई एक्स माइनस वन हो, तो बच्चा बच्चा जानता है कि यहां से फिर x क्यूब की वैल्यू वन होती है, यानी कि a क्यूब जो है प्लस वन होगा। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, प्यार, वो आपको बेसिक से सीखने को मिलता। लेकिन a प्लस वन बाई ए माइनस वन है, तो आप ये बात रट्टा मार लीजिए कि a क्यूब प्लस वन होगा। तो देखिए a क्यूब दोस्तों ये प्लस वन है, वन इंटू माइनस माइनस वन हो गया, माइनस वन माइनस वन माइनस दो, तो सवाल का उत्तर माइनस दो है। इससे आसान सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा।